नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो BHU गेट पर उतर रहे हैं। यहां वो पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। कुर्ते पजामे में नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस बड़े गजब का है और उनको पता है कि बनारस में कितनी गर्मी होती है। शाम को 5 बजे का वक्त है, इसीलिए उसके ऊपर उन्होंने कोई जैकेट नहीं पहनी है। गले पर एक पट्टा है और इस वक्त वो सीधे मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। SPG इसका पहले ही निरीक्षण कर चुकी है। हमारे संवाददाता ब्रजेश पांडे वहां से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऊपर चढ़ते हुए और चारों तरफ लोगों का जबरदस्त हुजूम। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोने कोने से आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी बल्कि देश के कोने से, कई कोनों से कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक रोड शो में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने माल्यार्पण किया और माल्यार्पण के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय का अभिवादन किया। BHU गेट की तस्वीरें हैं। दूसरे कैमरे से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और प्रधानमंत्री अब खड़े होकर आसपास जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बनारस की जनता खड़ी है उसका अभिवादन कर रहे हैं। उन्होंने सर झुकाकर सबका अभिवादन किया, एक बार फिर से सर झुकाया और इसके बाद वो चारों तरफ घूम रहे हैं क्योंकि चारों तरफ लोग ही लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। मनीष भाई, ये रोड शो शब्द कहां से प्रचलन में आ गया है? देखिए, रोड शो दीपक भाई पहले जुलूस कहा जाता था, जैसा ब्रेक के पहले आपने जिक्र किया था कि जुलूस में नेता जाया करते थे, नामांकन होता था और वो एक तरह का ऐसा शक्ति प्रदर्शन होता था जबकि प्रतिद्वंद्वी को ये एहसास हो कि इनके साथ इतनी भीड़ चल रही है तो इनका दबदबा चुनाव और मतदान के दौरान रहेगा। लेकिन इसका स्वरूप बदला क्योंकि बदलते वक्त के साथ इवेंट मैनेजमेंट आया, बड़े बड़े कैमरे और उसके साथ जो बड़े नेता और बड़े चेहरे जो दरवाजों पे जाकर पहले एक एक वोट के लिए घर घर और दरवाजों की देहरी पर जाकर नेता मिला करते थे, लेकिन मोदी जैसे कद के नेता हो गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके लिए संभव नहीं है जाना। तो अपनी उस इलाके की जनता के बीच पहुंचने का इससे अच्छा कोई जरिया नहीं जिसमें रोड शो के जरिए एक विहंगम भव्य नजारा हो और उसके साथ साथ वो भव्यता के साथ वो लोगों से जन संवाद कर सके। और यही रोड शो का मेरे ख्याल से मकसद भी है और खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का रोड शो दीपक भाई, इसमें मुझे तीन चीज दिखाई देती है, तीन मकसद है इसके पीछे। एक मकसद है राजनीतिक, दूसरा मकसद है सांस्कृतिक और तीसरा जो सबसे बड़ा मकसद है वो है आध्यात्मिक, क्योंकि यहाँ पर वो मंदिर भी जाएंगे, गंगा आरती भी में शामिल होंगे और इसके साथ साथ वो संदेश देंगे कि मैं यहाँ का आपके अपने बीच का प्रत्याशी हूँ। जैसा कि अभी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के पास खड़े होकर वो चारों दिशाओं में झुककर जो अभिवादन कर रहे थे वो ये था कि आप ही के बीच से निकला हुआ ये सांसद। मैं एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। इस वक्त प्रधानमंत्री अपनी जो SUV है, प्रधानमंत्री की जो खास SUV है उसके ऊपर चढ़ गए हैं, उसका रूफ टॉप खोल दिया गया है और प्रधानमंत्री अपने रोड शो के लिए निकल पड़े हैं। विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, कई कैमरे लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मीडिया के तमाम कैमरे से हर एंगल से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए दिख जाएंगे और ये प्रधानमंत्री निकल चुके हैं अपनी SUV पर और SUV के पीछे दो SPG के गार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लगभग 150 IPS ऑफिसर्स को लगाया गया है। इसके अलावा 10,000 सुरक्षा जवान वहां पर लगे हुए हैं पुलिस फोर्सेस के और जो ऊंची छतें हैं वहां पर खास तौर पर प्रिकॉशन रखी गई है और सभी को यह कहा गया है कि किसी भी तरह के लाठी डंडे या कोई अन्य ऐसी चीज जिसको नीचे फेंकी जा सके, पत्थर, इस तरह की चीजों को छतों पर नहीं रखना है। पहले ही सैनिटाइज किया जा चुका है पूरे इलाके को और प्रधानमंत्री लगभग 7 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू करेंगे और प्रधानमंत्री अकेले ही इस SUV की रूफटॉप पर है। रूफटॉप को खोल दिया गया है और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर सबको अभिवादन कर रहे हैं। पिछली बार की अगर हम याद करें मनीष भाई, तो पिछली बार हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जिस ट्रक पर खड़े हुए थे या जिसको एक मेकशिफ्ट मंच बनाया गया था उस पर BJP के बाकी नेता भी मौजूद थे, अमित शाह भी मौजूद थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री अकेले बनारस में घूम रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के जितने भी सहयोगी हैं
कैबिनेट के सहयोगियों की अगर बात करें, अमित शाह जी की बात करें जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और प्रधानमंत्री जैसे ही आगे बढ़ते हैं आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ उनके पीछे जाने की कोशिश कर रही है। बीएचयू का ये जो गेट है जहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा है उसको खोल दिया गया है और अब भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हमारे सहयोगी ब्रजेश पांडे भी वहां पर मौजूद है, उनसे भी आप बात करने की कोशिश करेंगे। तो मनीष भाई आप कह रहे थे कि तीन मकसद हैं उनके इस रोड शो के, क्या क्या तीन मकसद हैं आपके हिसाब से? देखिए, एक तो राजनीतिक मकसद है क्योंकि वहां से वो खुद प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन करना है। और यहाँ आज जो बीजेपी ने आयोजन और नियोजन किया आप देखिए इसका विहंगम नजारा, जैसे कि अभी भीड़ पीछे जाएगी इस कॉन्वॉय के और जैसे ही एरियल कैमरा आएगा दीपक भाई, तो आप सोच सकते हैं कि टीवी के स्क्रीन पर इसका कितना भव्य नजारा होगा। और मैं एक बार डिस्क्राइब कर दूं कि आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे हैं, जहाँ तक हमारी नजर जा सकती है, जहाँ तक कैमरे की नजर जा सकती है, सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है, लोग और लोग नजर आ रहे हैं और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे। मनीष भाई, दीपक भाई, आप बोलते बोलते जब आप पूरे इन तस्वीरों को नरेट कर रहे थे तो आपने एक चीज कही कि कई मंत्री और कई बीजेपी के बड़े नेता वहां मौजूद हैं, लेकिन केवल नरेंद्र मोदी अपनी एसयूवी में, मेरे ख्याल से वो रेंज रोवर है जो प्रधानमंत्री के काफिले में गाड़ी होती है, उसमें रूफटॉप में प्रधानमंत्री अकेले दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का पोस्टर बॉय भी तो एक ही है दीपक भाई। और मुझे लगता है कि पिछली बार और इस बार के रोड शो में अंतर है, क्योंकि पिछली बार जब प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक एमपी के कैंडिडेट थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब सुरक्षा व्यवस्था अलग थी, लेकिन अब उनकी सुरक्षा व्यवस्था अलग है, उनको एसपीजी के काफिले के साथ ही करना पड़ता है। सुरक्षा व्यवस्था हर प्रधानमंत्री की चाक चौबंद होती है और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की, वैसे भी किसी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती जाती है। हमारे सहयोगी अरुण धंता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण धंता, मदनपुरा के एक छत से हमको वहां के दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अरुण जुड़ चुके हैं हमारे साथ? अरुण के पास सीधे चलते हैं। अरुण, क्या देख पा रहे हैं आप नीचे? लोग ही लोग चारों तरफ, जन समुद्र दिखाई दे रहा है आपको? लगता है अरुण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक जी, मैं इस समय मदनपुरा में खड़ा हूं और बीएचयू से मदनपुरा का जो बोलिए अरुण, सुन रहा हूं आपको। जी, जो डिस्टेंस है बीएचयू से मदनपुरा का वो करीब चार पांच किलोमीटर है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां से चलना शुरू करेंगे। आपको यहां पर पिक्चर दिखा दूं कि जितने भी जो यहां के लोग हैं वो सारे लोग अपने घरों से या तो बाहर आ चुके हैं। आप नीचे सड़क पे देख सकते हैं कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोग पूरा बीजेपी की टोपी पहन के उनके भगवा रंग के कपड़ों में खड़े हैं, या कुछ लोग जो है वो जहां जहां उनके लिए पॉसिबल है घरों की छत के ऊपर मौजूद है। आप देख सकते हैं पूरा जहां तक आप आगे तक इस किनारे को देख सकते हैं सब लोग खचाखच भरे हुए हैं। हालांकि कई लोग, अभी ये खबर नहीं मिली है कि वहां प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उन्होंने माल्यार्पण कर दिया है पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर, अपनी एसयूवी की छत पर जा चुके हैं वो और वहां से हाथ हिलाते हुए निकल चुके हैं। हम गाड़ियों का काफिला देख सकते हैं, एक लंबी गाड़ियों का काफिला जो प्रधानमंत्री के साथ हमेशा रहता है, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है बीएचयू गेट पर, और धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अरुण, अब आगे आप अपनी बात कह सकते हैं। जी, तो दीपक जी, ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, पूरा जो ये रोड है, यहाँ से ये काफिला निकलेगा और जो इस बीच में जो जगहें हैं जहां जहां से मोदी गुजरेंगे, बीएचयू से शुरू करेंगे, उसका रविदास गेट आएगा, फिर 80 चौराहा है, फिर भदानी है, फिर शिवाला है, फिर सोनपुरा, फिर पांडे हवेली, फिर मदनपुरा जहां पर मैं मौजूद हूं, उसके बाद जगदम्बड़ी और गुदाली और काशी विश्वनाथ जो दशाश्वमेध जो घाट है वहां पर जाकर फाइनली वो अपना जो है वो इस रोड शो खत्म करेंगे, और उसके बाद आरती में वहां पर वो आरती करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं लगातार इतनी गर्मी के बावजूद भी जो यहां पर लोग हैं उनमें जोश की बिल्कुल भी कमी नहीं है, सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो प्रधानमंत्री यहां पर मदनपुरा के इलाके में पहुंचे और कब वो प्रधानमंत्री को देख सके और कब वो
प्रधानमंत्री के उस रोड शो को ज्वाइन कर सके। अभी आप जो कैमरे पे अरुण अरुण मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मदनपुरा और सोनपुरा जहां पर अरुण धनता खड़े हुए हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी मोदी के स्वागत की खास तैयारियां की गई है। वहां पर भी गुलाब की पंखुड़ी से उन पर पुष्प वर्षा की जाए पुष्प वर्षा की जाएगी। 20 जगह पर लाल गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा की जाएगी और इसके लिए पूरे रास्ते में चारों तरफ लाल गुलाब की पंखुड़ियां दिखाई दे इसके लिए 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियां भारतीय जनता पार्टी ने मंगवाई है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता के पास। वर्णित, क्या दिखाई दे रहा है चारों तरफ आपको इस रोड शो के अंदर? सबसे पहले ये बताइए चारों तरफ का दृश्य कितना विहंगम है? देखिए मैं आपको बता दूं, यहां बनारस में आज का जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है दीपक जी, वो किसी भी कहा जाए त्योहार या किसी भी पर्व से कम नहीं होगा। अगर आप देखें यहां पे चारों तरफ जो लोग हैं वो इस वक्त रोड पे हैं। जहां देखो वहां पे भगवा दिखाई दे रहा है, जहां देखो वहां भाजपा के झंडे दिखाई दे रहे हैं। रोड्स हो चाहे आप किसी भी मकान में देखेंगे तो सभी लोग अपनी खिड़कियों पे इस समय लटक के सिर्फ एक दृश्य देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये 80 चौराहा है, आप देखें यहाँ पे किस तरीके से फोर्स को जो है वो डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरीके से रोड पे आके लगातार यहाँ पे जो है नारे लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। मैं भी चौकीदार के जो फ्लेक्सेस हैं वो दिखा रहे हैं, बैनर है वो दिखा रहे हैं। पीछे अगर आप देखेंगे कई लोग मोदी जी के चेहरे के मुखौटे लेके जो है वो रोड पे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा जोश है। लोगों का कहना है इससे पहले कभी भी इस तरीके का जो है उन्होंने दृश्य नहीं देखा है। और फिलहाल जिस तरीके से आज यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं उनके लिए ये दिन एक जश्न से कम नहीं है, पर्व से कम नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इसी संसदीय सीट से जीत के पार्लियामेंट गए हैं, संसद गए थे, और उन्होंने बहुत सारा काम किया है वाराणसी के लिए। लोग चाहते हैं एक बार उनको फिर से मौका मिले और इस बार भी वो वाराणसी के लिए जबरदस्त काम करें जिसकी लोगों को उम्मीद है। ठीक है वर्णित, हम आपके पास फिर आएंगे। लेकिन मनीष जी, बनारस का 2014 में चुनना, उसके भी अपने पॉलिटिकल रीजन थे। बनारस एक ऐसी नगरी है जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। 5000 साल पुराना शहर है, भगवान शिव ने इसको बसाया था। शिव और पार्वती, हमारे पुराणों की अगर बात की जाए तो वो यहाँ रहते थे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यहाँ पर दिया था। जो गोस्वामी तुलसीदास है उन्होंने रामचरितमानस जो कथा थी वो यहीं पर लिखी थी। तो बनारस का अपना एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। मेरे ख्याल से न केवल ये जो ईस्टर्न यूपी है जिसे पूर्वांचल कहा जाता है उसका गेटवे है, इसी के चलते प्रधानमंत्री को खड़ा किया गया था ताकि इसका पूरा असर पूर्वांचल के इलाकों में जाए, बिहार में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सफलता पाई थी। और साथ ही साथ में प्रधानमंत्री जो हिंदुत्व के एक इतने बड़े आइकॉन के रूप में लगातार हमेशा प्रोजेक्ट किए जाते रहे उसके चलते भी उन्होंने शायद बनारस को चुना था। देखिए दीपक भाई, 2013 से ये कहानी शुरू हुई जब प्रधानमंत्री इन्हें साबित होने लगा था कि यही एक चेहरा होगा जो कि बीजेपी का अपना नुमाइंदा होगा, जो देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए सामने रखा जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री आप ये जैसा कि आपने जिक्र किया, 5000 साल पुरानी नगरी, बाबा महाकाल शिव काशी विश्वनाथ का वो शहर जो कि अपने आप में धार्मिक सांस्कृतिक और मोदी के वहां पहुंच जाने से बड़ा राजनीतिक स्वरूप ले लिया। राजनीतिक तौर पर तो बनारस की अपनी पहचान थी ही, कभी ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने के बाद आप ये देखिए कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, काशी और मोदी राजनीतिक तौर पर काशी को लेकर जहां से जैसे आपने देखा कि दो राष्ट्राध्यक्ष को वहां ले गए, वहां जाकर उन्होंने बताया गंगा आरती कराई। तो ये सारी बातों के मद्देनजर जैसे बाबा विश्वनाथ हैं तो काशी को ये हैं, तो काशी को ये विश्व में एक विश्व स्तर की नगरी के रूप में प्रधानमंत्री ले जाने का जो संकल्प उन्होंने किया था, मुझे ऐसा लगता है कि वही उनकी अस्मिता के रूप में उनकी पहचान बन गया। और इसके साथ साथ आप आने वाले समय में आप देखिए, जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को इस बार जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि दूसरी जगह से लड़ा जाए या दूसरी जगह से खड़ा हुआ जाए। उस समय शायद किंचित 1% मन में रहा हो कि अगर यहां कुछ गड़बड़ी हुई या कम ज्यादा हुआ
तो मेरे पास अपना गृह क्षेत्र है गुजरात, जहां की बड़ौदा, जहां से मैं निश्चित ही जीतूंगा। लेकिन दोनों जगह पर उन्होंने विजय पाई और विजय भी ऐसी कि गजगजांत विजय थी उनकी, गजगजांत विजय 5,70,000 मतों से। तो ये आप देखिए उनकी लोकप्रियता का पैमाना भी बताता है। और आज का उनका ये रोड शो, दीपक भाई, सड़क पर जहां जहां आप देख रहे हैं केवल और केवल सिर नजर आ रहे हैं, तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता मतदाता, जो कि बीजेपी की सेना, मोदी की सेना, सही मायने में ये मोदी की सेना, और जो इनके कैबिनेट कलीग्स और पार्टी के बड़े नेता हैं, मुझे ऐसा लगता है वो मोदी के यूनिट कमांडर्स हैं। और ये तमाम यूनिट कमांडर्स हमको दशाश्वमेध घाट में उस वक्त दिखाई देंगे जब गंगा आरती हो रही होगी। सभी के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, हमें बताया अरविंद चतुर्वेदी ने कि किस तरह से मैं भी चौकीदार हूं का बोर्ड वहां पर लगा गया है, कमल का फूल बनाया गया है और साथ ही साथ मोदी का एक बहुत बड़ा कटआउट दशाश्वमेध घाट पर लगा हुआ है जहां पर गंगा आरती में शामिल होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के कटआउट दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे। तो पूरी तरह से भगवामय इस वक्त काटी हो चुका है और प्रधानमंत्री की अब आप तस्वीरें देख सकते हैं, प्रधानमंत्री किस तरीके से हाथ हिला रहे हैं। सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है प्रधानमंत्री के लिए और यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इस्तेमाल किए गए, बंदोबस्त किए गए हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि जो लोग अपने घर से, छतों से, खिड़कियों से या फिर अपने घर के टेरेस से इस दृश्य को देखना चाहते हैं, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी तरह से परेशान न करे। ये देखिए यहीं पर होगी आरती, ये दूसरी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मनीष भाई, अगर आप उनको देखें तो उनका जो कमल का निशान का चिन्ह है, पूरे 2014 के इलेक्शन में वो हर कैंपेन में लगा के घूमते थे, इस बार शायद उन्होंने कम लगाया है, लेकिन बनारस में फिर से कमल का वो चिन्ह, सफेद कलर का कमल उनके कुर्ते के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिए दीपक भाई, कमल तो आप देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ उनके कुर्ते के रंग को भी देखिए, कुर्ता भगवा कुर्ता उन्होंने पहन रखा है। संदेश और संकेत के जरिए बात करना, जनता से संवाद करना, ये उनकी खासियत है। दीपक भाई, काशी को लेकर मेरे मन में एक और बात आई। काशी जिस नाम से जानी जाती है, पहचानी जाती है, बनारस, वाराणसी, काशी को अविनाशी भी कहा गया है। काशी की एक पहचान है कि इसका विनाश नहीं हो सकता, ये अविनाशी है। तो इस बात को भी ध्यान में रखकर कई चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सोच और मन में ये बात भी रही होगी कि ऐसी जगह से वो प्रतिनिधित्व करें जिसका डंका सारी दुनिया में बजे, क्योंकि वहां बाबा विश्वनाथ बैठते हैं। और सही बात है, काशी एक ऐसा शहर है, भारत में जितने भी विदेशी टूरिस्ट आते हैं उनका बनारस के लिए, काशी के लिए एक अट्रैक्शन होता है। ये कहा जाता है सुबह बनारस, शाम अवध और शबे मालवा, ये तीनों चीजें बहुत फेमस हैं। और बनारस की सुबह अगर आप किसी घाट से देखेंगे तो आपको दिव्य दिखाई देगी, एक ऐसा विहंगम दृश्य आपको दिखाई देगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और उसी को देखने के लिए पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। मार्क ट्वेन एक इंटेलेक्चुअल थे, एक दार्शनिक थे, उन्होंने लिखा था कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है, और इन सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहर कहा जाता है, 3000 साल का इसका लिखित इतिहास मिलता है और 5000 साल पहले ये शहर बसा है ऐसा कहा जाता है। काशी भी इसे कहा जाता है, काश शब्द से काशी बना है और काश का मतलब होता है ब्राइटनेस। और ये भी माना जाता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूरज की पहली किरण अगर कहीं पर पड़ी थी तो काशी में पड़ी थी, और जब काशी का अब कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो भगवान विश्वनाथ के दर्शन लंबे एक कॉरिडोर के साथ अब लोग कर सकेंगे, जिसके लिए काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री एक बार फिर से अभिवादन करते हुए, और मनीष भाई एक लंबे कामों की फेरिस्त है जो प्रधानमंत्री ने 5 साल में किया है और काफी वक्त काशी को दिया है। उनके यहाँ पूरा एक मैनेजमेंट काम करता है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए, जिसके बारे में आपने बताया कि कुछ उनके नजदीकी लोग हैं जो गुजरात से आते हैं, एक सेल है पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर जो काशी के हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को देखता है, खुद उसकी मॉनिटरिंग करता है और ये देखता है कि कितना काम हो रहा है। रेलवे की अगर बात करें तो इसका पूरा का पूरा जिम्मा जो रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, जो कि गाजीपुर से आते हैं, उनको दिया हुआ है। और मनोज सिन्हा
वहां पर जो स्टेशंस हैं, जो लोकोमोटिव कारखाना है, उन तमाम जगहों पर विशेष नजर रखते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो बड़ी सौगातें दी है उसमें एक कैंसर हॉस्पिटल, इसके अलावा रेलवे का एक बड़ा हॉस्पिटल जिसको आधुनिक ढंग से किया गया है, टाटा को दिया गया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, काशी का कॉरिडोर, बाबतपुर से शहर को जोड़ने वाला एक फ्लाईओवर, बनारस से गाजीपुर 4 लेन, रिंग रोड और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो दी गई है। सबसे बड़ी बात, वहां पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी और अब लोग कहते हैं, जो लोग बनारस के घाटों को देखते हैं वो ये कहते हैं कि पहले से उनकी स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ मनीष भाई कि जब कोई बड़ा नेता इस तरह के रोड शो करता है और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरीके से एड्रेस करता है, क्या पहले से ही प्लान हो जाता होगा? क्योंकि आज की तारीख में इतना रिसर्च अवेलेबल है कि आप गली कूचे, यहाँ तक कि उस घर के अंदर कौन रहता है ये तक जान सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठकर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस तरह के लोग कितना बड़ा मैनेजमेंट रखते होंगे प्रधानमंत्री के लेवल पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैनेज करने के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री तो केवल मानचित्र पर समझा देते हैं दीपक भाई, जो मुझे लगता है एक पीछे बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, और टीम ही काम नहीं कर रही, आप ये सोचिए इसमें कहीं ऐसी टीमें हैं जो आउटसोर्स होकर ये सारे नियोजन को देख रही हैं। अब आप बात करें, इतना सटीक और इतना क्रिस्प टेलीकास्ट होना, इसका सीधा प्रसारण आना, इसके आउटसोर्सिंग चैनल्स को देना, ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए पूरी एक यंत्रणा है, एक आउटसोर्स यंत्रणा है। और उसके साथ साथ बीजेपी, जैसे केंद्र में मंत्री जेपी नड्डा लगातार वहां 3-4 दिनों से वहां मौजूद हैं, भले ही वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हों, लेकिन उनके लिए ये सबसे बड़ा जिम्मा है कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो होना हो वो निर्विघ्न संपन्न हो। क्यों? ये वो नगरी है जो आदिकाल से, जिसका न आदि न अंत कोई नहीं बता सकता, ना कोई बता पाएगा, कोई इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ऐसे शहर से हमारे पार्टी के पोस्टर बॉय, देश के प्रधानमंत्री और वहां के अपनों के बीच के सांसद जब वहां पर पहुंच रहे हैं तो किसी भी चीज में कोई बाधा ना आए, और इसका जो नियोजन हो वो इतना सटीक और सहज सरल तरीके से वो बेहतर चला जाए, इसकी मुझे ऐसा लगता है जिम्मेदारी में कई लोग शामिल हैं। अभी अभी अजय राय को मैं सुन रहा था, वो क्रिटिसाइज भी करने की कोशिश कर रहे थे और एक्सक्यूजेस भी ढूंढ रहे थे। उनका कहना था बिजली ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी के लिए काशी के लोग तरसते हैं, स्वच्छता के लिए तरसते हैं, वहाँ पे वायर्स हैं, ये तमाम चीजें अजय राय बता रहे थे कि काशी की तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अब ये काशी के लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा दर्शकों को कि किन किन चीजों पर वहां काम चल रहा है। कुछ कंप्लीट हो चुका है, कुछ कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले वहां पर अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है, जो बिजली के वायर वहां पर ऊपर दिखाई देते थे उन तमाम वायर्स को अब अंडरग्राउंड किया जा रहा है। एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बिजली के तार नंगे वहां पर न छूटे, और ये भी कहा जाता था कि अगर बिजली के तार नंगे छूटते थे तो उसकी बड़ी मात्रा में चोरी होती थी बनारस के अंदर, और ये एक पुरानी परंपरा थी जो चली आ रही थी। लेकिन अब अंडरग्राउंड होने के बाद बिजली की चोरी पूरी तरह से बच जाएगी। और बिजली के बारे में कहा जा रहा है कि पहले वहां पर बिजली बहुत जाती थी, लेकिन जैसा अरविंद चतुर्वेदी हमारे सहयोगी ने हमको बताया कि पिछले 48 घंटे से वो बनारस में है लेकिन एक बार भी बिजली वहां पर नहीं गई है। तो आबाद और निर्बाध गति से बिजली का वहां पर होना ये भी एक बड़ी चीज है जो प्रधानमंत्री ने अपने इलाके के लिए करी है। हालांकि 21वीं सदी 2019 में हम ये बात करें कि प्रधानमंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या सिर्फ बिजली ही दे रहे हैं, लेकिन बिजली भी एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है, और ये एक नेसेसिटी अभी तक 24/7 भारत को ये लग्जरी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इस पर काम चल रहा है। इसके अलावा जो सड़कें हैं वो बेहतर हुई हैं, आप देख सकते हैं 4 तस्वीरें, लंका गेट पर लोगों का हुजूम है, गलियों में मोदी हो रहा है, महिलाओं के अंदर क्रेज दिखाई दे रहा है। हमने आपको बताया था कि महिला और पुरुष तमाम राज्यों के पारंपरिक परिधान पहनकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे, क्योंकि बनारस के अंदर पूरा देश बसता है। केरल के लोग अपने कपड़े पहने होंगे, बंगाल के लोग अपने कपड़े पहने होंगे, ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि पूरे के पूरे बनारस के अंदर एक मिनी भारत बसता है, और वही दिखाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए
इस तरह का सिंबॉलिक अरेंजमेंट किया गया है ताकि बनारस के अंदर पूरे देश की एक तस्वीर दिखाई दे सके। घाट पर नमन उमा आप देख रहे हैं, घाट को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, कमल का फूल पानी में बनाया गया है, मैं भी चौकीदार हूं लिखा गया है, वहां पर प्रधानमंत्री का एक कटआउट लगाया गया है और साथ ही साथ लेजर शो के जरिए जब आरती हो जाएगी उसके बाद लेजर शो के जरिए यह दिखाया जाएगा कि प्रधानमंत्री ने 5 साल में कितने काम किए हैं। तो यहां पर भी प्रचार का कोई मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इतने कैमरे लगे हुए हैं बनारस के अंदर और सभी हर मिनट का लाइव प्रसारण करेंगे और पूरा देश इस वक्त देखेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और रोड शो को। इसीलिए वो ये जताना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि पिछले 5 साल के दौरान बनारस और आसपास पूरे देश में कितना काम हुआ है। अगर हम आगे बढ़े तो बनारस गाजीपुर का 4 लेन का हाईवे, घाटों का डेवलपमेंट और खास तौर पर राजेंद्र घाट और 80 घाट इसको रीडेवलप किया गया है। साथ ही साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाया गया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। इसके अलावा गंगा में स्टीमर के लिए एक इंटरस्टेट फेलिसिटेशन टर्मिनल बनाया गया है, गंगा में स्टीमर अब चलने लगा है, बीएचयू में कैंसर हॉस्पिटल खुला है, रेलवे के हॉस्पिटल का आधुनिकीकरण किया गया है, एयरपोर्ट को सुंदर बनाया गया है, एयरपोर्ट से शहर को एक फ्लाईओवर और एक बहुत ही सुंदर सड़क के साथ जोड़ा गया है, स्वच्छता अभियान वहां पर शुरू हुआ है, बनारस कैंट और वाराणसी स्टेशन को आधुनिक किया गया है, वाईफाई की सुविधाएं दी गई है, भारत का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर भी वहां पर खुला है, पासपोर्ट ऑफिस भी खुल चुका है और एक फ्लाईओवर जिसके बारे में कहा जाता था कि वह महमूरगंज से भदौडी तक ये फ्लाईओवर था जो पिछले 15 सालों से पेंडिंग था, नरेंद्र मोदी ने उस पर ध्यान देकर उस पर काम शुरू करा लिया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी वो लेकर आए थे और उनको गंगा आरती में शामिल किया था और उनके साथ भी उन्होंने कई तरह के प्लान्स डिस्कस किए थे। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत कबीर नगर को विकसित किया गया है, महामाना एक्सप्रेस चलाई गई है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल को बनाया गया है, इसके अलावा ट्रेड फेलिसिटेशन सेंटर बनाया गया है, क्राफ्ट म्यूजियम बनाया गया है, पावर लूम सेंटर बनाया गया है और जो शहर है उसके सौंदर्यीकरण का काम किया गया है। तो काफी सारे कामों की फेहरिस्त हमको मिली जब हम इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे कि पिछले 5 साल के अंदर काशी के अंदर क्या क्या काम हुआ है। तो आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि काशी में चारों तरफ सिर्फ जन समुद्र इस वक्त दिखाई पड़ रहा है और दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद चारों तरफ घूम के प्रधानमंत्री ने जो वहां पर काशी के लोग खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े थे, उनसे जुड़े हुए लोग खड़े थे और बनारस की आम जनता खड़ी थी, उन सबका अभिवादन किया, क्योंकि यही वो लोग हैं जो एक बार फिर से चुन के प्रधानमंत्री को संसद में भेजने वाले हैं और अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि एनडीए की तरफ से पीएम के कैंडिडेट वही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैंपेन में बार बार इस बात को उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और नरेंद्र मोदी हैं और अपोजिशन ने कौन सा चेहरा दिया है, नरेंद्र मोदी के सामने और कोई विकल्प नहीं है, ये भी इन चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इस बड़े फैक्टर के साथ भी भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि चूंकि प्रधानमंत्री का स्ट्रेचर इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री का नाम इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री का काम इतना बड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है, इसलिए एक बार फिर से सत्ता पर वो काबिज होंगे। 4 तस्वीरें देख सक रहे हैं आप, काशी की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरते हुए अपनी गाड़ी से उतरे, फिर वो पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के ऊपर सीढ़ियों से गए और वहां पर माल्यार्पण किया। भगवा कलर का कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है, कुर्ते पजामे में प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, मालवीय जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी, लोगों का अभिवादन किया और रोड शो पर फिर से वो निकल गए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जल्दी प्रधानमंत्री की अभी की ताजा तस्वीरें भी हमको दिखाई देगी, तब ये दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनका आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो लंका गेट, रविदास गेट, 80 चौराहा, भदोनी, शिवालिया, सोनापुरा, पांडे हवेली, मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गोदुलिया, काशी विश्वनाथ और दशाश्वमेध घाट तक पहुंचेगा। 7 बजे के आसपास वहां पर पूजा अर्चना होती है, वहां पर आरती होती है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, उसके बाद एक ऐसा लेजर शो होगा, इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है और इस लेजर शो के बाद
वहां पर दिखाया जाएगा कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या काम किए हैं, शोकेस किया जाएगा और इंडिया न्यूज पर आप ये तमाम महा कवरेज देख रहे हैं। जब आप बनारस की बात करते हैं मनीष भाई, तो बनारस के नाम पर पूरे देश को क्या नजर आता है, किस तरह का सिंबोलिज्म है बनारस में, खासकर धर्म और संस्कृति की अगर बात करी जाए तो? दीपक भाई, धर्म की बात की जाए तो वहाँ पर बाबा कीनाराम की समाधि है, वहाँ पर बात की जाए काशी विश्वनाथ वहाँ पर हैं, दुर्गा कुंड है जो यानी दुर्गा का शक्ति पीठ माना जाता है, तो काशी अपने आप में एक अध्यात्म की नगरी है और काल भैरव वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर प्रधानमंत्री कल खुद जाकर कुछ समय बिताएंगे नामांकन के पहले। और काल भैरव को लेकर ऐसी मान्यता है जो कहा जाता है शास्त्र के मुताबिक काशी विश्वनाथ ने भैरव को ये आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम जनता के कोतवाल होगे, कलयुग में तुम चौकीदार होगे। तो वहां पर काल भैरव चाहे काशी विश्वनाथ हो चाहे उज्जैन बाबा महाकाल हो, काल भैरव दोनों जगह मौजूद है और वो जो भूमिका है उनकी वो एक चौकीदार की एक कोतवाल की है। दीपक भाई, बनारस को लेकर आप बात कर रहे थे, तो एक इसकी सांस्कृतिक पहचान अध्यात्म से ऊपर जाकर अगर मैं आपसे कहूं तो एक पहचान है महिलाओं के लिए, अब एक पहचान बनती है महिलाओं की, बनारसी सिल्क साड़ी अगर आप याद करें सारी दुनिया में बनारसी सिल्क साड़ी मशहूर है। और इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ का कालीन उद्योग, और आपको एक बात बताऊं ये दोनों उद्योग बहुत परेशान चल रहे थे कुछ समय से और उनको ऐसी आशा आस उम्मीद और आप ये समझिए कि उनकी आकांक्षा है कि प्रधानमंत्री उनके उद्योग की ओर भी ध्यान दें क्योंकि कहीं ना कहीं इनके उद्योग पर आप ये समझिए कि संकट के बादल भी दिखाई देते हैं। तो आपने देखा प्रधानमंत्री की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ताजा तस्वीरें जैसे ही आएंगी हम वहां पर भी आपको ले चलेंगे। प्रधानमंत्री की इस वक्त थोड़ी देर पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको श्रद्धांजलि दी और उसके बाद लोगों का अभिवादन किया। दीपक भाई, एक बात मुझे याद आती है, मुझे अगर आप ये तस्वीरों को देखें और प्रधानमंत्री की कार्यशैली और उनकी आप अगर काम करने की आगे की शैली को देखें कि आप ये देखें दीपक भाई कि प्रधानमंत्री को उनके इस स्वरूप को देखने के बाद ऐसा दिखाई देता है कि मुझे याद आते हैं शोमैन बॉलीवुड के सुभाष घई और राज कपूर, जब राज कपूर मेरा नाम जोकर जो उनकी फिल्म बन रही थी उसमें उन्होंने अपना सर्वोच्च। मैं एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा, प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें आ रही हैं, आप देखिए प्रधानमंत्री की एकदम ताजा तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं और जैसा हमने कहा था प्रधानमंत्री के लिए गुलाब की पंखुड़ियां अब उनकी एसयूवी जो उनके रेंज रोवर है उसके ऊपर पूरी तरह से भरी हुई है और पीछे जो कार चल रही, पीछे जो ट्रक चल रही है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता आपको दिखाई दे सकते हैं। तस्वीरें में आपको सीधे दिखाई सकते हैं योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और उनके बगल में हालांकि वो बहुत दूर है फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अनुप्रिया पटेल जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं और अपना दल से आती हैं उन वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, महेंद्रनाथ पांडे जो कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और एक गाड़ी में एक्सक्लूसिवली प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं अपने रेंज रोवर के अंदर और हाथ हिलाकर वो जनता का अभिवादन कर रहे हैं। काशी की गलियां बनारस की गलियां पूरी तरह से पटी पड़ी हैं लोगों से, जहां पर आप नजर दौड़ाएं लोग ही लोग दिखाई देंगे, छत पर खिड़कियों में दरवाजों पर टेरेस पर बालकनी में हर जगह लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जब प्रधानमंत्री अपने रोड शो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने रोड शो का काफिला लंका गेट से शुरू किया बीएचयू के सामने से बीएचयू गेट से जहां पर वो उतरे अपने काफिले से और मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने लोगों का अभिवादन किया अपनी रेंज रोवर में वो बैठ गए और उसके बाद वो आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे उसका जो रूफ टॉप है उसको खोला गया और उसके बाद प्रधानमंत्री अपने रोड शो को शुरू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं बनारस से और हाथ हिलाकर वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। चारों तरफ प्रधानमंत्री हैं इसलिए और नरेंद्र मोदी हैं इसलिए भी उनका काफी क्रेज दिखाई दे रहा है। क्यों मनीष भाई, नजदीक से हर कोई चाहता है कि एक बार उनके दीदार हो जाएं कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे हैं। और दीपक भाई, इस नजारे को देख के आपको नहीं लगता कि ये किसी विजय जुलूस से कम दिखाई देता है? मैं 2004 में
अटल बिहारी वाजपेयी के रोड शो के अंदर गया था जो लखनऊ में हुआ था, जब उन्होंने नामांकन फाइल किया था तब भी इस तरह से एक विजय जुलूस की तरह दिख रहा था। और मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जीतने के बाद कोई विजय जुलूस निकालेंगे। 2014 में भी शायद जीतने के बाद उन्होंने कोई विजय जुलूस नहीं निकाला था। रोड शो उन्होंने एक 2014 में किया था, एक 2017 में किया था जब यूपी के असेंबली इलेक्शन हुए थे, अब 2019 में वो कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके बाद 2022 में ही वो रोड शो करते हुए दिखाई देंगे जब यूपी के असेंबली इलेक्शन होंगे। लेकिन इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी का बनारस के लिए क्रेज और बनारस का नरेंद्र मोदी के लिए क्रेज, ये दोनों चीजें एक साथ हमको दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री इस वक्त किसी को टोक रहे हैं, किसको टोक रहे हैं ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो किसी को टोक रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। मेरे ख्याल से दीपक भाई एसपीजी के किसी जवान को वो कुछ दिशा निर्देश दे रहे थे कि आप बीच से हटे, उनका लोगों के बीच में कहीं संवाद हो सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो इनर सर्कल है वो पूरी तरह से एसपीजी के हाथ में रहता है, एसपीजी के कंट्रोल में रहता है। 5 लेयर की सिक्योरिटी होती है और जो दूसरा लेयर है वो यूपी पुलिस के पास होता है, जो गाड़ी के चारों तरफ चल रहे होंगे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान आपको नीली वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। लगभग 10,000 जवानों को इस रोड शो के सफल संचालन के लिए लगाया गया है। 150 आईपीएस अफसर लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने घरों की बालकनी पर खड़े हैं और एक झलक प्रधानमंत्री की पा लेना चाहते हैं और देख रहे हैं प्रधानमंत्री को। और ये देखिए आप, ये जो गुब्बारे हैं हरे और केसरिया कलर के, 5,000 गुब्बारे पूरे रास्ते में लगाए गए हैं सौंदर्यीकरण के लिए, ताकि ये रोड शो भव्य दिखाई दे। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें, इसका रोड शो का रास्ता जो है वो लंका गेट, रविदास गेट, 80 चौराहा, भदोनी, शिवालिया, सोनापुर, पांडे हवेली, मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गदोलिया, काशी विश्वनाथ और उसके बाद दशाश्वमेध घाट की तरफ जाएगा। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपने बोला था ना कई सारे कैमरे होंगे, मूविंग कैमरेज भी होंगे, तो ये जो कैमरा है ये साइड की किसी गाड़ी में चल रहा है और तस्वीरें हमको दिखा रहा है नीचे जो लोग प्रधानमंत्री को देखकर हाथ हिला रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, कैमरे वाले को फोकस करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि वो प्रधानमंत्री से काफी दूरी पर होगा और उनको तस्वीरों के जरिए कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा होगा। प्रधानमंत्री के ऊपर पूरी तरह से देखिए आप, पूरे तरह से गुलाब की पंखुड़ियां उनके ऊपर लगी हुई हैं। 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियां आई हैं, लोगों को दी गई हैं ताकि वो प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय पर, उनके रोड शो पर गुलाब की पंखुड़ियों को बरसा सके। और आप देखिए, जब तस्वीरें खींचने की बात आती है तो मैंने जब देखा है अटल आडवाणी को साथ रखा जाता था, पुराने जमाने की मैं बात कर रहा हूं, तब बाकी लोग प्रमोद महाजन बाकी सब नेताओं को हटा देते थे और इस वक्त भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्रधानमंत्री हैं, उनकी गाड़ी पर वो खुद अकेले हैं। ऐसा भी हो सकता था कि वो उतर के दूसरी गाड़ी पर चले जाते, लेकिन आज के नायक वो हैं तो उनको वो जगह दी है भारतीय जनता पार्टी ने और बड़े केयरफुली इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को मनीष भाई तैयार किया गया है। देखिए मुझे ऐसा लगता है दीपक भाई कि ये सारी स्क्रिप्ट पहले तैयार होती है और लोगों को अलग अलग जिम्मा दिया जाता है, उस जिम्मे के तहत हर आदमी अपनी भूमिका निभाता है और अंत ये होता है कि कार्यक्रम बिल्कुल सफल और आप ये समझिए कि जिसे रिसाउंडिंग सक्सेस कहते हैं वो होता है। लेकिन जैसा कि आप इसका विश्लेषण कर रहे थे दीपक भाई कि भाई बनारस की जनता का क्रेज प्रधानमंत्री के लिए और प्रधानमंत्री का उनकी जनता जनार्दन के लिए, मुझे ऐसा लगता है दीपक भाई एक पन दो काज हो रहे हैं। ये देखिए तस्वीर हो रही है, शहनवाज हुसैन, विजय सोनकर शास्त्री जो उसी इलाके से आते हैं, अश्विनी चौबे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ये एक गाड़ी पर दिखाई दे रहे हैं जिसको बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के एक रथ के तौर पर, वो तस्वीरें आपने देखी। और उसके ठीक पीछे की तस्वीरों में आपको दूसरे नेता भी दिखाई दे रहे हैं, पीले कलर का बड़ा चमकता हुआ सा कपड़ा शहनवाज हुसैन ने पहन रखा हुआ है और सीधे पीछे की तरफ हमको योगी आदित्यनाथ, महेंद्रनाथ पांडे और अनुप्रिया पटेल दिखाई दे रही है और अब प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीर है। आप कुछ कह रहे थे मनीष भाई? मैं ये कह रहा था दीपक भाई कि प्रधानमंत्री का जनता के प्रति क्रेज, यानी कि बनारस की जनता के लिए और जनता का उनके प्रति, ये तो है ही, लेकिन जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे कि ये एक पन दो काज, एक तीर से दो निशाने कि भाई विजय जुलूस बाद में कर नहीं सकेंगे क्योंकि सरकार की आपाधापी रहेगी, क्या आंकड़े रहेंगे, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, सरकार का गठन होगा, लेकिन उसके पहले अपनी जनता से संवाद कर लेना और उनमें इस विश्वास को सुनिश्चित कर फिर एक बार ये जता देना कि मैं आपके बीच से जा रहा हूं, मैं आपका ध्यान रखूंगा और आपके विकास के लिए मैं ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा जिसको लेकर कि मैं दोबारा आपके पास जब आऊं, मेरी पार्टी के लिए आऊं
तो आप ये न कहें कि मैंने ये किया और ये नहीं किया। तो ये विश्वास जताने का एक तरीका, संवाद का एक माध्यम। तो हमारी ये लाइव कवरेज लगातार चलती रहेगी, हम हर एक तस्वीरें आपको बनारस की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आएंगे, प्रधानमंत्री के रोड शो की पल पल की कवरेज दिखाएंगे। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो हर उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत होने वाला है, जो लंका गेट है वहां से लेकर दशाश्वमेध घाट तक हमारे कई सारे रिपोर्टर मौजूद हैं और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो पीछे चल रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते। काशी का कुरुक्षेत्र। तो प्रधानमंत्री मोदी की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से शानदार इंतजाम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस रोड शो के लिए। प्रधानमंत्री की एसयूवी पर गुलाब की पंखुड़ियां पटी पड़ी हैं और पीछे आप हरे और केसरिया कलर के गुब्बारे देख रहे हैं। 5000 बैलून्स पूरे रास्ते के अंदर लगाए गए हैं और चारों तरफ आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। एक लंबा काफिला है प्रधानमंत्री के साथ, एक गाड़ी पर प्रधानमंत्री अकेले हैं, उसकी छत को खोल दिया गया है और प्रधानमंत्री उस पर खड़े हैं और पीछे की जो गाड़ी है, जो बड़ा ट्रक है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, उनके कैबिनेट कुलीग्स, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ महेंद्र नाथ पांडे जो कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और गाड़ी है जिसमें तस्वीरें हैं, जिसमें शहनवाज हुसैन और बाकी अन्य नेता दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब से एक घंटे बाद उन्हें दशाश्वमेध घाट पहुंचना है और गंगा आरती में शामिल होना है। बताया जा रहा है इस वक्त जो काशी यानी बनारस है उसका तापमान बहुत ज्यादा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त तापमान है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी के पास जो सीधे हमारे साथ दशाश्वमेध घाट से जुड़ रहे हैं। अरविंद, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त कितनी गर्मी है। ये बताया जा रहा है कि बनारस में इस वक्त 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है जो काफी गर्म माना जाता है और बनारस में उमस भी काफी होती है, तो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त दशाश्वमेध घाट पर खड़े हुए आप? दीपक जी, हम लोग आपको बताएं कि सुबह से ही पसीने से तरबतर हैं और सुबह से खड़े हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि गर्मी से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना ये चाहता हूं दीपक जी कि किस तरीके से भव्य तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत के लिए। गर्मी की परवाह करते हुए, बिना परवाह करते हुए आप देखिए कि ये सारा कुछ जो है यहाँ पे शानदार तैयारी हो रही है। जहाँ मंच, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठने के लिए एक कुर्सी पहले लगाई गई थी, अब वहाँ पे 5 कुर्सियां लगाई गई हैं। हम आपको दिखाते हैं उन कुर्सियों की संख्या। आप देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के बैठने के लिए जो मंडप बनाया गया है, जिसको शानदार तरीके से सजाया गया है, अब वहाँ पर 5 कुर्सियां हैं। 4 कुर्सियां एक रंग की हैं और पीछे वाली जो कुर्सी है वो सफेद रंग की है, यानी उसमें सुरक्षा कर्मी कोई बैठेगा। 4 कुर्सियों पे बड़े नेता बैठेंगे, हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बैठे, हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महेंद्र नाथ पांडे बैठे, ये कुर्सियां उनकी व्यवस्था की गई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सुनील बंसल जो संगठन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने यहाँ पे डेरा जमा रखा है और उनके नेतृत्व में यहाँ पे जो सारा काम है उसको किया जा रहा है और जो निर्देश देना है, किसको क्या करना है, वो सारे काम यहाँ पर लगकर सुनील बंसल खुद उसको देख रहे हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताऊं दीपक जी कि जो रोड शो है वो तो जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे जो कि नियत समय पहले जो तय था, क्योंकि आरती नियत समय पे 7 बजे शुरू हो जाएगी और अपने नियत समय से चलेगी। उसमें प्रधानमंत्री को 15 मिनट की पूजा भी करनी है। आपको सामने एक बड़ा स्टीमर दिखाते हैं दीपक जी, आपको सामने एक बहुत बड़ा स्टीमर, बहुत बड़ा जहाज दिखाई पड़ रहा है जो कि पानी का है और उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदमकद की एक बहुत बड़ी कटआउट लगाया गया है। और अभी थोड़ी देर में आप जब देखेंगे, जब यहाँ रात हो चुकी होगी, तो लाइटों से वो जगमगाएगा और एक तरफ लेजर शो की भी व्यवस्था की गई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर, काशी से बनारस की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाना है प्रधानमंत्री को, उसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, स्टीमर को भी सजाया गया है, ये स्टीमर कहाँ का है? क्या सरकारी स्टीमर है? बीजेपी ने इसको किराए पर लिया है, इसको सजाया गया है? और क्या स्टीमर के माध्यम से भी कुछ होगा वहां पर? आपने कहा लेजर शो होगा, स्टीमर क्यों घूम रहा है वहां पर?
क्योंकि अभी अभी हमको मालूम पड़ा है कि अभी अभी नहीं हमको मालूम पड़ चुका था काफी देर से कि वहां पर एक वाटर टर्मिनल भी बनाया गया है बनारस के अंदर और वो उस वाटर टर्मिनल का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। सड़क के रास्ते जो है वो पानी के रास्ते माल ढुलाई शुरू हो चुकी है और जिसके बारे में नितिन गडकरी ने कई बार बात की है कि पानी से अगर माल ढुलाई करी जाए तो सबसे सस्ती होती है, तो क्या बनारस से इसकी शुरुआत हो चुकी है? दीपक जी, इसके उद्घाटन में हमें शामिल होने का मौका मिला था और स्टीमर ये सरकारी है या गैर सरकारी है ये तो अभी जानकारी इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि हम लोग वहां तक हमारी अभी रीच नहीं है, पानी में होने के नाते वो कंफर्म नहीं हो सकता है, लेकिन स्टीमर है जिसको फूल मालाओं से सजाया गया है। उसके बगल में अगर आप देखें तो बड़े बड़े बजड़े सजाए गए हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले डमरू की आवाज सुनाई पड़ रही थी, वहां पे करतल ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, वो सारे के सारे लोग डमरू बजा रहे थे, हर हर मोदी का नारा लगा रहे थे। तो ये सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूं कि एक स्टीमर आ रही है, छोटी स्टीमर है लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, उनकी टोपियों और झंडों से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं दीपक जी, वो स्टीमर आपको दिखाई पड़ रहा होगा आते हुए जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा हुआ है। यानी चारों तरफ अगर आपको यहां पे सिर्फ दिखाई पड़ रहा है तो है भारतीय जनता पार्टी के झंडे, उनकी तैयारियां और बीच में एक बड़ा सा स्लोगन लिखा हुआ है कि मैं भी चौकीदार हूं। और जानना चाहता हूं ये स्टीमर जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मुझे याद पड़ता है कि इन स्टीमरों को भी पॉल्यूशन फ्री किया गया है। गंगा में जो स्टीमर घूम रहे हैं अब वो डीजल से नहीं चलते हैं, उनसे किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। क्या इसका भी एक इनिशिएटिव वहां पर लिया गया था बनारस में? मुझे याद पड़ता है ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कहा गया था दीपक जी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पॉल्यूशन फ्री करने को लेकर बहुत सारे उपाय यहां पर किए गए हैं, बहुत सारे काम किए गए हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक विशेष तौर की एक मशीन आई थी नगर निगम की तरफ से, जो आसपास जो पॉलीथीन थी जो माला लोग फेंक देते हैं उसको उसने हटाने का काम किया और फटाफट सारी सफाई यहां पे हो गई। आप देखिए सारी चीजें चमक रही हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये है बनारस, ये है मोदी का बनारस, जो मोदी दिखाना चाहते हैं अपनी आंखों के जरिए अपनी नजरों से, ये मोदी का बनारस है फिलहाल जो आपको साफ सुथरा और शानदार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि बनारस की तस्वीर, जो गलियों की तस्वीर है जहां बनारस बसता है, जहां पे बनारस की बहुत सारी चीजें हैं, मठ है, मंदिर है, बहुत बड़े बड़े जो सन्यासी हैं उन्होंने वहां पे तपस्या की है, उस बनारस को भी देखने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि इस बार प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उनकी नजर वहां पर भी जाएगी, उसके बारे में भी सोचेंगे, विचार करेंगे। अरविंद, लगातार सुबह से एक ही चीज मैं सुन रहा हूं और जितना मैंने पढ़ा उसमें एक ही कंपैरिजन की बात हो रही है। आप फिर से सीधी तस्वीरें देख सकते हैं प्रधानमंत्री के रोड शो की, प्रधानमंत्री का रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, चारों तरफ आपको जन समुद्र दिखाई पड़ रहा है, पीछे की गाड़ी पे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम नेता और प्रधानमंत्री के कैबिनेट कुलीग्स दिखाई दे रहे हैं। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काशी की धरती पर मोदी, मनमोहन मालवीय जी को श्रद्धांजलि, लोगों का अभिवादन और रोड शो पर निकल चुके हैं प्रधानमंत्री। और ये सीधी तस्वीरें जो दिखाई जा रही है उन पर एक बार मैं फिर से प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करता हूं कि उन तस्वीरों की तरफ ले चले। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री की आ रही है, प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे हैं। अरविंद ने हमको बताया कि काफी तापमान है, लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है चारों तरफ सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तो अरविंद, में सुबह से सिर्फ एक ही कंपैरिजन सुन रहा था और 2004 में आपने भी इससे जुड़े हुए कई शो किए थे और सब लोगों ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री काशी को क्योटो बनाना चाहते हैं, कई सारे डेलीगेशन भी वहां पर आए, उस पर स्टडी भी हुई, उस पर बातचीत भी हुई। क्या 5 साल में काशी क्योटो बन पाया है? ये सवाल भी कई सारे लोग पूछ रहे हैं और कई सारे लोग कंपेयर करना चाहते हैं काशी को क्योटो से। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए दीपक जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि काशी क्योटो बन गई है, लेकिन हाँ, बाहर की काशी जिसको हमने देखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, गलियों में रहा हूँ, घाट के किनारे हमने खूब क्रिकेट खेली है, गंगा में खूब तैराकी की है, तो उन सारी चीजों को अगर मैं एनालिसिस करके आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि नहीं, बदलाव हो रहा है, बदलाव दिख रहा है। लेकिन मेरा सवाल एक है कि जैसा मैंने आपको इसके पहले भी कहा कि गलियों में अभी बहुत बदलाव की जरूरत है, जो काशी का दिल है, गलियां काशी की धड़कन है, और
जैसा मैंने आपको ये भी कहा दीपक जी कि जितने बड़े मंदिर हैं, जितने बड़े मठ हैं, वो सब के सब गलियों में है। अगर हम विश्वनाथ मंदिर की बात करें, जहां पे बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जहां पे हजारों श्रद्धालु एक साथ रह सकेंगे, वो भी गलियों में है। बहुत सारे मंदिरों को वहां पे एक में शामिल किया गया, बहुत सारे जगहों को तोड़ा गया जिससे कि उस जगह को बड़ा किया जा सके। और दीपक जी, दशाश्वमेध घाट से जब आप जो मेन गली है यहाँ की, जो सबसे प्राचीन गली है, अगर उस घाट से आगे बढ़े तो आप सीधे 80 निकल जाएंगे और बीच में केदार क्षेत्र पड़ता है, जहां पे लोग कहते हैं कि अगर आपको मुक्ति पाना है, अगर आपको अपनी जिंदगी से मुक्ति पाना है, लोग मरने के लिए उस क्षेत्र में आते हैं, वहां काशी वास करते हैं। और कहा यह जाता है कि जब वो वहां पे, जब उनकी मृत्यु केदार क्षेत्र में होती है तो उनको मोक्ष मिलता है। यानी बनारस एक ऐसा शहर है जहां पे लोग मरने के लिए आते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। और आपने एक और बात कही थी कि एक कहावत कही थी कि राड़ साड़ सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। और मैं आपको ये बता दूं कि जब से योगी की सरकार आई है, तब से मैं समझता हूं कि गायों की जो साड़ है उनकी संख्या में बहुत बड़े पैमाने पे इजाफा हुआ है। वो आपको हर जगह देख सकते हैं। उनको लेके बहुत सारे काम को किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं कि एक साथ गायों ने, पशुओं ने पूरा खेत चरने का काम किया, उसको लेके बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे वो सारे मुद्दे फिलहाल दीपक जी गौड़ हो चुके हैं। अच्छा अरविंद, मुझे ये बताइए कि जब आपने बात की बनारस की गलियों की, जिन गलियों में आप बड़े हुए हैं, तब से लेकर आज तक बनारस में कितना अंतर आया है या बिल्कुल वही रहा है? और इन 5 सालों के दौरान उन गलियों के अंदर आपको सौंदर्यीकरण या उसके जो शेप है या गलियों की जो तस्वीर है या सीढ़ियों की जो तस्वीर है उनको बदलने की कोई कोशिश हो रही है, ऐसा कुछ दिखाई दिया है इन 5 सालों के दौरान? क्योंकि मैंने जितनी काशी देखी है, मैं जितना काशी को समझाऊं, मैं भी कई बार गया हूं, दर्जनों बार वहां पर गया हूं, मैंने यही देखा है कि काशी में अगर कुछ है, अगर काशी असली बसता है और अगर काशी का दिल बसता है तो वो गलियों में ही बसता है। दीपक जी, गलियों में तो मुझे बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखा। गलियों में बहुत सुधार किए जाने की जरूरत है, सफाई को लेकर बहुत सारे सुधार किए जाने की जरूरत है। और गलियों में जो बनारस की धड़कन है, जो बनारस का दिल है, उसमें बहुत काम करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जहां पे ये कार्यक्रम हो रहा है उसके पीछे ही हमारा आवास है, हमारा घर है, यहां से 150 मीटर की दूरी होगी मैं समझता हूं, और उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसमें जो पत्थर पुराना लगा था आज भी वही पत्थर लगा हुआ है, जहां लोग कूड़ा फेंकते थे आज भी कूड़ा फेंकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कूड़ा उठाने वाले में स्थितियां बदली है, लोग समय पे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बदलाव की आवश्यकता है। जब तक हम गलियों को नहीं बदल पाएंगे, उनके रूप को बना के अगर हम गलियों को परिवर्तित कर पाते हैं, तो वाकई काशी में यही सबसे बड़ा बदलाव होगा और काशी बदलती हुई दिखाई देगी। तब हम शायद बात कर पाएंगे कोटियों की दीपक जी, क्योंकि जब तक यहाँ की गलियां सुंदर नहीं होंगी, यहाँ की गलियां नहीं संवरेंगी, तब तक काशी को हम कैसे मान सकते हैं कि नहीं, काशी पूरी तरीके से बदल गया। अरविंद, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, मैं आपसे जानना चाहता हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में। आपने बोला कई मंदिरों को हटाया गया, कई घरों को हटाया गया, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्या काशी विश्वनाथ मंदिर है जो बिल्कुल गलियों के अंदर है, जहाँ पर बहुत ही कम लोग एक साथ जाकर पूजा कर सकते हैं, उस काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को बनाया जाएगा और वो सीधे गंगा तक निकलेगा? और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, काशी को काशी नाम पड़ा काशा के चलते, काशा का मतलब होता है ब्राइटनेस। आज मैं जब पढ़ रहा था इसकी हिस्ट्री के बारे में तो मुझे मालूम पड़ा कि काशा का मतलब होता है ब्राइटनेस, और ये माना जाता है कि जब पृथ्वी बनी थी तो सूर्य की पहली किरण काशी पर पड़ी और इसीलिए काशा से उसका नाम काशी पड़ा। तो सूर्य की पहली किरण यहाँ पर पड़ती है, तो अगर हम उस काशी विश्वनाथ मंदिर को देखें तो क्या वहाँ पर भी सूर्य की किरणें हम पड़ती हुई देख पाएंगे? क्योंकि अभी तो वो सकरी गलियों के अंदर एक छोटी सी जगह है, क्या कॉरिडोर बनने के बाद इस तरह का विकास वहाँ पर हो पाएगा? दीपक जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो कॉरिडोर बन रहा है वो बहुत सारे मकानों को तोड़ के एक बहुत बड़ी जगह में बन रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और वहाँ पे अब एक साथ हजारों लोग खड़े हो सकते हैं, हजारों लोग अपने दर्शन की बारी का इंतजार कर सकते हैं, उनको वो सुविधाएं प्रदान करने की बात सरकार कर रही है। और बनारस को हम, बनारस की अगर सुबह की बात करें दीपक जी, तो वाकई दुनिया भर से जो लोग आते हैं वो बनारस की सुबह को देखने के लिए आते हैं। मैं समझता हूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर पे जो स्वर्ण पत्र लगा है, वहां पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं और उससे जो चमक निकलती है,
वही काशी की असली छटा है और उसको दुनिया देखती है और शायद अब कॉरिडोर बन जाने के बाद उसको लेके लेकिन दीपक जी बहुत विरोध भी हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब वहां के आसपास के लोगों ने मकान खाली किया तो वो अपनी अपने दुख को अपनी बातों को व्यक्त कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जहां पे उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी, जहां पे उनका बचपन गुजरा, जहां पे वो पले बड़े, जहां पे उनका बचपन गुजरा, जहां पे वो पले बड़े हुए, वहां से हटाए जाने का उनको दुख था। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस दुख का कोई असर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव पे पड़ता है? मुझे ऐसा लगता नहीं। मैंने अरविंद आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि अजय राय से जब हमारे सहयोगी ओझा बात कर रहे थे, संतोष ओझा, तो उन्होंने कहा कि उन लोगों का दर्द भी है जिन लोगों को उजाड़ा गया है कॉरिडोर के नाम पर, तो कहीं ना कहीं अजय राय इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे कितने विस्थापित लोग हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो इस विस्थापन से प्रभावित हुए हैं, खासतौर से इस कॉरिडोर के चलते, क्योंकि शुरुआत में तो हमने ये भी सुना था और आपने खुद मुझे बताया था जब हम दोनों साथ में काशी विश्वनाथ के मंदिर गए थे कि शुरुआत में बड़ा रेजिस्टेंस हुआ था, लोग बड़ा विरोध कर रहे थे कि हम हटना नहीं चाहते। दीपक जी एकदम सही कहा, मैं समझता हूँ कि 100-150 परिवार रहे होंगे जिनको हटाया गया हुआ, लेकिन इनको कंपनसेशन भी दिया गया है। उसमें जो जब परिवार की बात मैं कर रहा हूँ तो आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे जो जगह देना चाहते थे और उसी परिवार का जो दूसरा भाई था वो जगह नहीं देना चाहता था, तो इस तरह की बातें भी बहुत सारी लोगों ने की। उन्होंने बताया कि नहीं, मैं जगह देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर काशी विश्वनाथ मंदिर बनेगा तो इसको पूरी दुनिया देखेगी और शायद मैं भी कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज होऊंगा, क्योंकि मैंने भी अपना मकान, अपना आवास, अपने जिगर का टुकड़ा जहां पे मैंने पूरी जिंदगी गुजारी है वो काशी विश्वनाथ को समर्पित करने का काम किया है। लोग इस तरीके से भी सोच रहे थे, कुछ लोग इस बात से दुखी भी थे दीपक जी, जिनको लग रहा था कि नहीं, मैंने जहां अपनी पूरी जिंदगी गुजारी वो मकान मैंने दे दिया, तो ये बात उनके गले नहीं उतर रही थी, वो इससे दुखी थे, नाराज थे, कुछ लोग रो भी रहे थे, लेकिन ये मुद्दा नहीं बन पाया जिस तरीके से विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहता था। अच्छा अरविंद, मनीष भाई भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करूंगा, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बड़ी दिलचस्प बातचीत हो रही है और वाकई हमको सही ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है जो हमारे दर्शक बनारस के बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम करेंगे राजनीतिक चर्चा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि शालिनी यादव, अजय राय कितनी टक्कर दे सकते हैं प्रधानमंत्री को, क्योंकि शालिनी यादव एक ऐसी कैंडिडेट है जो जिस दिन कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी में जाती हैं उसी दिन उन्हें टिकट मिल जाता है, और अजय राय भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी में होते थे, फिर समाजवादी पार्टी में आते हैं, फिर कांग्रेस पार्टी में आते हैं और उनको प्रधानमंत्री के खिलाफ उतारा जाता है। तो ऐसे दल बदलू प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों, प्रियंका गांधी क्यों नहीं, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।